हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी क्या होता है, किसी भी सॉलिड को मींस किसी सॉल्यूट को, यहाँ पे हमने सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में लिया है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूट को हम लिक्विड में कितना मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, वो उस सॉलिड की सॉलिबिलिटी होती है उस लिक्विड के अंदर। ठीक, मैक्सिमम डिसॉल्व करने का क्या मतलब है कि जिस टाइम पे हम सॉलिबिलिटी मेजर कर रहे हैं हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड होना चाहिए। देखिए इसके ये हम क्या करेंगे, हमने एक सॉल्वेंट लिया है जैसे कि हमने वाटर ले लिया, और एक सॉल्यूट है हमारे पास जो कि सॉलिड है जैसे कि शुगर या सॉल्ट, कोई भी सॉल्यूट ले सकते हैं जिसकी हमें सॉलिबिलिटी मेजर करनी है। तो हम उसके अंदर वो जो सॉल्वेंट है हमारा वाटर, उसके अंदर हम जो सॉल्यूट है हमारा सॉल्ट, उसको तब तक ऐड करते रहेंगे कि जब तक कि वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, जब तक कि उसका सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए, मतलब मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुका है सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, अब और उसको डिसॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है सॉल्वेंट में। ठीक है, तो उस स्टेज पे हमें देखना है कितने ग्राम हमारा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हुआ है 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में। जनरली तो हम सॉलिबिलिटी को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब सॉलिबिलिटी को जनरली हम ग्राम पर लीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो जनरल जो डेफिनेशन होती है सॉलिबिलिटी की वो तो ये होती है कि कितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो उसकी सॉलिबिलिटी होती है। ठीक है, कितना सॉल्यूट इन ग्राम्स हम डिसॉल्व कर सकते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन आपकी बुक में एक अलग डेफिनेशन दी गई है तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करके बता देती हूँ। इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि कितना ग्राम सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, वो उसकी सॉलिबिलिटी होती है। ठीक है, टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको डिफाइन करने का एक और तरीका भी है जो आपकी बुक में दिया गया है, उसमें क्या कहा है कि कितने ग्राम सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बस 1 लीटर की जगह 100 ग्राम ले लिया है, बाकी कोई चेंज नहीं। कितने ग्राम सॉल्यूट मैक्सिमम हम डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये वर्ड इसमें जरूर लिखना है, एट अ गिवन टेम्परेचर। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारी सॉलिबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। सॉलिबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए इस डेफिनेशन में टेम्परेचर को भी जरूर मेंशन करना है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो लिखना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम कितना डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसके अंदर जरूर इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, तो आपको सॉलिबिलिटी समझ आ गई। तो ये था सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन थी। ये अब है कि सॉलिबिलिटी कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी। सॉल्यूशन हमने कौन से लिए हुए हैं, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन लिए हुए हैं। कि अगर सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन है और उसकी सॉलिबिलिटी हमें देखनी है कि कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो इसके लिए 2 फैक्टर्स हैं जिसपे सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, तो फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये फैक्टर क्या कहता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये फैक्टर कि जैसा हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसी तरह का सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होगा। जैसे आपने बार बार सुना होगा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व करते हैं। तो वही चीज बतानी है इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में कि अगर हमारा सॉल्वेंट जो है पोलर है, एक बहुत ही वेल नोन एग्जांपल पोलर सॉल्वेंट का है हमारे पास वाटर। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो कोई भी जो पोलर सॉल्वेंट होगा उसके अंदर पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व करेंगे, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर। ठीक है, तो इसीलिए वाटर में आयनिक कंपाउंड्स बहुत इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं। हमने देखा होगा जो कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, वो बहुत ही इजीली डिसॉल्व कर जाता है वाटर के अंदर, क्योंकि वो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है तो वो पोलर है, और हमारा जो सॉल्वेंट है वाटर वो भी पोलर है, तो वाटर के अंदर NaCl बहुत इजीली डिसॉल्व करता है। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व करेगा। इसी तरह अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो नॉन
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है, ठीक है, जैसे कि बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ईथर हो गया, ये सभी क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिजॉल्व करेंगे, ठीक, जैसे कि नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये जो कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्यूट्स में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे कि बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसके अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट्स ही डिजॉल्व करते हैं, लाइक नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। अगर उसमें पोलर अमाउंट डिजॉल्व करेंगे तो या तो डिजॉल्व नहीं करेंगे, बहुत कम अमाउंट पे डिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी तो जो है नॉन पोलर की नॉन पोलर सॉल्यूट्स में होती है, और जो पोलर सॉल्यूट है उनकी पोलर सॉल्वेंट में होती है, नॉन पोलर सॉल्यूट की नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है सॉल्युबिलिटी, ठीक। अब हमारा सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर, जिसकी भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। टेम्परेचर के लिए एक फिक्स रूल नहीं है, हमें देखनी पड़ेगी कि हमारी डिसोल्यूशन की प्रोसेस कैसी है, ठीक है। जैसे कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं और इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने मिक्स किया, प्लस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट को हमने लिखा रिएक्टेंट साइड में, मतलब ये क्या हो रही है एब्जॉर्ब, और इससे क्या है सॉल्यूशन बन रहा है। तो डिसोल्यूशन की प्रोसेस हमारी क्या है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जिस रिएक्शन में होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर डिसोल्यूशन की प्रोसेस जो हमारी है वो एंडोथर्मिक है, मतलब सॉल्यूशन बनाने की प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, हीट को एब्जॉर्ब करने से सॉल्यूशन बन रहा है, तो ऐसे केसेस में टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो ऐसे कोई भी डिसोल्यूशन की प्रोसेस जो कि एंडोथर्मिक है उस केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने में सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को मिक्स करके हम सॉल्यूशन बना रहे हैं और इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक, हीट इवॉल्व हो रही है इसमें, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक। तो एक्सोथर्मिक है ये प्रोसेस, तो इस केस में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इधर तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब आपने ये ध्यान रखना है अगर डिसोल्यूशन की प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, अगर डिसोल्यूशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। एक थर्ड फैक्टर जो है प्रेशर होता है, वो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन पे उसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता, ना के बराबर होता है, ठीक है। मतलब प्रेशर अफेक्ट नहीं करता सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को, सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी को, कि सॉलिड लिक्विड में कितना डिसॉल्व करेगा वो प्रेशर पे कोई ज्यादा डिपेंड नहीं करता, तो हम उसको नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। क्यों नहीं करता प्रेशर पे डिपेंड, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं है, गैसेस कंप्रेसिबल होती है, सॉलिड लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, इनकंप्रेसिबल है, ठीक है। तो प्रेशर का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, गैसेस के केस में होता है, अगर हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करें तो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है, तो वहां पे प्रेशर का बहुत इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो ही फैक्टर्स थे जिसपे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी